सर्किट, आज मैं आपको बेबी हब की ट्राईसाइकिल का डेमोस्ट्रेशन देने वाला हूँ, जो कि पेरेंटिंग हैंडल के साथ में आती है। ये ट्राईसाइकिल है, अभी बेसिकली बॉक्स भी ओपन नहीं किया, अभी इंस्टेंटली मैं आपको बॉक्स ओपन करता हूँ। इसका पूरा डेमोस्ट्रेशन कि हम इसे असेंबल कैसे कर सकते हैं और इजीली जल्दी से जल्दी हम बना कैसे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है कि आप हम निकाल लेते हैं जी। ये व्हील्स को रिमूव कर रहे हैं यहाँ से, ये व्हील्स ऐसे आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फ्रेम है, इस फ्रेम को लगाने के लिए हमें कैसे लगाना है। तो ये वाले बटन है, ये प्रेस बटन रहता है, जिससे हम इसके फुट को खोल लेते हैं। ये फुट खुल जाएंगे, ये ऐसे स्टेबल हो जाएगा। और सबसे पहले हम व्हील्स लॉक को पकड़ेंगे इस तरीके से। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पिन बना हुआ है ये वाला। ये पिन होती है जो सबसे मेन होती है, इस पिन को ऐसे ओपन करते हैं और इस व्हील्स को इसमें लगाकर ऐसे अंदर प्रेस कर देंगे, तो ये लॉक हो जाता है खुद से ही। ये रबड़ निकाल देंगे, फिर इसमें ये वाला पिन रहेगी, इस पिन को ऐसे दबाएंगे, फिर पुट करके अंदर कर देंगे, फिर ये ऐसे सिंपल में लॉक हो जाएगा। ऐसे ये आपकी साइकिल बैक एंड से कवर हो जाती है। प्लस फिर हम इसकी बकेट ले लेंगे, बकेट को ओपन कर लेंगे, ये इसकी बकेट ओपन हो जाती है। ये वाला जो फ्रंट लॉक रहेगा, यहाँ से इसे खोल लेंगे ऐसे, ये बकेट लॉक खुल जाती है। प्लस इस लॉक को लगाकर यहाँ पर हम इसे इजीली कस देंगे, यहाँ पर ये इस तरीके से कस जाता है। ये आपका इतना कवर हो जाएगा। इतना कवर होने के बाद में अब हम इसे फ्रंट से असेंबल करना स्टार्ट कर देंगे। फ्रंट से असेंबल करने के लिए सबसे पहले ये स्ट्रैप लेने रहते हैं, जिसे हमें हटाना होता है ये वाला, और हमें इसके साथ में उठाना जो होगा वो फ्रंट व्हील्स उठा लेंगे, जो इतना कंप्लीट पहले से ऑलरेडी बनकर आता है ये वाला। ये फ्रंट व्हील होता है जो ऑलरेडी कंप्लीट आता है ये वाला, ये देख सकते हैं। और इसमें फ्रंट लिखा रहता है, तो हम इसे ऐसे स्टेबल करके फ्रंट की साइड से इसके अंदर डाल देते हैं। ये सिंपल में इस तरीके से लॉक लग जाता है, और लगने के बाद में क्या होता है, निकाल देते हैं, ये निकाल कर डस्टबिन में चला जाता है। इसके बाद में हमारे पास में जो आगे की हैंडल बकेट रहती थी, ये बकेट को इसमें लॉक करके और इस वाले स्ट्रैच में बड़े आसानी से फंसा देते हैं। ये वाले ऐसे लॉक हो जाएंगे, ये थोड़ा प्रेस करना पड़ता है, थोड़ा टाइटली इसके अंदर जाता है, थोड़ा प्रेस करेंगे तो ये ईजिली इसके अंदर चला जाएगा, यहाँ पर लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद में अब इसमें हम देखेंगे दो बटन है, एक ये पिन दिया हुआ है, ऐसे हैंडल में भी दो आगे बटन दिए हुए हैं ये वाले, ये फ्रंट है, ये बैक है, ये इसी में। तो सबसे नीचे वाले में ये पिन चले जाएंगे, यहाँ पर जब हम इसे डालेंगे तो ये ऐसे जाएंगे, ये पिन होती है, पिन को दोनों साइड से दबाकर नीचे वाले पिन में एडजस्ट कर देंगे ये ऐसे। और जब और हैंडल को टाइट करना है तो ये वाला यहाँ से रिमूव करके ये वाला जो लॉक होता है ये वाला, इस लॉक में ऐसे एडजस्ट कर देंगे इसको, यहाँ से ये ऐसे टाइट हो जाएगा। अब आपका हैंडल भी कंप्लीट हो चुका है। हैंडल कंप्लीट होने के बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या चीज़ रहेगी। और रहने के लिए इसमें हमें सीट लगाना है, सीट इजीली होता है जो कि काफ़ी अच्छे से लग जाती है। दिखा देता हूँ कैसे लगाना है सीट को। ये स्क्रू निकल जाते हैं जो मैंने इस बकेट में डाले हुए हैं। बकेट में डालने के बाद में आप इस सीट को सिंपल में इस तरीके से दोनों स्क्रू में, ये वाले जो दोनों स्क्रू हैं, इस स्क्रू में दोनों स्क्रू को डाल देंगे। यहाँ से पकड़ कर आप दोनों स्क्रू को ऐसे डाल देंगे इसके अंदर, ये इस तरीके से डाल जाते हैं। ये डालने के बाद आप इसे थोड़ा सा ये इसको उठा लेना, एक स्क्रू एक बार से लेकर सबसे पहले बार से इसमें डाल देना और फिर इसके नीचे स्क्रू डाल देना। सबसे पहले आपको छोटा बार सेल डालना होता है, आप इसमें छोटा बार सेल डालकर और ये वाला जो छोटा स्क्रू रहता है ये आप इसे ऐसे पुट कर देंगे तो ये पूरा कस जाएगा।
ये इसमें कस जाता है। फिर इसके नीचे ये वाली आपकी दूसरी चूड़ियाँ रहती हैं जो इसको खुलने नहीं देती हैं, कवर्ड कर लेती हैं पूरा। फिर आप इसे ऐसे इजीली कस सकते हैं, ये आप इसको इजीली ऐसे कर सकते हैं। फिर सिंपल ये वाली जो दूसरी साइड थी हमारी, ये भी दूसरी साइड आप इसे इजीली इस तरीके से कस सकते हैं। फिर आता है इसका हैंडल, जिससे हम पेरेंट्स कंट्रोल करते हैं, वो हैंडल रहता है हमारे पास में। एक टाइप का ये आता है, ये पेरेंटिंग हैंडल कंट्रोल करने के लिए रहता है। सबसे पहले हम इसे ऐसे नीचे जो होल रहता है इसमें ऐसे लॉक कर लेंगे, और ये वाला जो हैंडल रहता है, ये वाला अलग से पार्ट्स आता है, इसे यहाँ से ऊपर से डालकर हम नीचे थोड़ा पुल कर देते हैं इस तरीके से, तो ये नीचे इस तरीके से निकल आता है। फिर ये वाला जो हैंडल रहेगा इसे ऐसे निकाल कर यहाँ पर लगा लीजिएगा, और इसमें ऐसे होल रहता है दोनों चीज़ों में, आप उस होल को मैच करने के बाद में इसके अंदर डाल देंगे। ये होल रहता है, ऐसे होल को मैच करके इस होल में ऐसे ये स्क्रू चला जाएगा दोनों साइड से, और इसका छोटा स्क्रू रहेगा जो हम इसे कस देंगे, ये यहाँ पर इस तरीके से कस जाएगा, ये यहाँ पर इस तरीके से कस जाता है। अब आप देखिएगा ये यहाँ से कंट्रोल हो जाएगा। अब इसको अब रॉड हम ले लेंगे, ये वाली ये रॉड जो रहती है ये हमारे पास में हमेशा रॉड आएगी इस तरीके से। ये रॉड को फ्रंट से खोल लेंगे, ये यहाँ पर ऐसे कस जाता है, ये यहाँ पर ऐसे हैंडल में कस जाता है। प्लस आप देखेंगे तो ये पीछे हैंडल वाला जो स्क्रू है इसे थोड़ा टर्न लेफ्ट करके इसके अंदर डाल दिया जाता है, ये ऐसे आ जाएगा। तो ये वाले स्क्रू रहते हैं इन्हें थोड़ा थोड़ा यहाँ पर टाइट कर लीजिएगा, और आप इसे जैसे हैंडल को स्ट्रेट रखना चाहते हैं तो स्ट्रेट रख लीजिएगा। फिर पीछे जो बैक में दो स्क्रू दिए हुए थे वो स्क्रू को पीछे से कस लिया जाएगा यहाँ से, ये स्क्रू कस दिया गया है। फिर ये वाला भी स्क्रू आपका कस दिया जाएगा, ये दोनों स्क्रू यहाँ पर ऐसे कस जाते हैं। अब आप देखेंगे ये पीछे से पेरेंट हैंडल कंट्रोल करेगा ऐसे, इसे कंट्रोल करने के लिए ये वाला जो रॉड बटन रहती है इसे खोल लीजिएगा, और ये वाला जो लॉक रहता है इसे थोड़ा ऐसे ढीला कर लेते हैं यहाँ से, और ढीला होने के बाद में ये पिन बटन रहती है, पिन बटन को ऐसे खोलकर आप इसमें अंदर डाल सकते हैं, और ये पिन बटन एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पर। ये पीछे देख रहे हैं ये पिन रहती हैं, ये तीन पिन रहती हैं जहाँ ईजिली हम इसे कस सकते हैं। ये लेमिनेशन चढ़ा हुआ है इसको, तो इसे थोड़ा सा हटा लीजिएगा यहाँ से, यहाँ पर लॉक हो जाते हैं। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन पॉइंट होते हैं, जैसे भी आप हाइट अपनी एडजस्ट करना चाहें उस हाइट पर कर सकते हैं। फिर इस वाले बटन को आप ऐसे टाइट कर लीजिएगा, ये आपका बटन टाइट हो जाती है, और ये आपकी साइकिल पूरा बनकर रेडी होने वाली है। या आप पेरेंटिंग ईजिली पीछे से आप इसे कवर्ड कर लेते हैं जो चला सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर सेफ्टी बार की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि ये दिया हुआ रहता है, सेफ्टी बार के लिए सबसे पहले आप इस थोड़ी सी लेमिनेशन को पैक कर लीजिएगा, हटा दे सकते हैं यहाँ से, और फिर ये वाला जो बटन रहता है इसको खोल लीजिएगा ऐसे। ये स्क्रू खुलने के बाद में इस स्क्रू को यहाँ से निकाल लीजिएगा, ये सेफ्टी के लिए हो जाता है। फिर इस स्क्रू को थोड़ा सा ऐसे बैक में करके, और ये जो साइकिल के पीछे दो होल रहते हैं इन होल में ऐसे आप इजीली एडजस्ट कर दीजिएगा, ये जो आपने अभी कसा था उसी के लिए ये ऐसे। ये आपका रॉड वाला इसमें डल जाती है, फिर ये रॉड वाला इसमें डल जाएगी और आप इसे लॉक कर सकते हैं। ये रॉड वाला लॉक हो जाती है प्रॉपर आपकी, आपका सेफ इसमें जो बचा है केवल ये बैल बचती है।
ये आप बैल को ऐसे लॉक खुल जाता है इस बैल का, और इस बैल को आप लेफ्ट साइड में ऐसे लॉक करके ये वाला स्क्रू रहेगा आपका तो इसी के अंदर आता है ऑलरेडी पहले से, ऐसे टाइट कर सकते हैं। जब टाइट करेंगे तो घुमा देंगे ऐसे ऊपर कर लेते हैं और यहाँ से टाइट कर सकते हैं स्क्रू से। स्क्रू ड्राइवर में बेसिकली आपको जो अपने पास से यूज़ करना पड़ेगा और आप इसे ऐसे टाइट कर सकते हैं, ऐसे टाइट हो जाता है। तो आप बैल जैसे बजाना चाहते हैं वैसे आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, ये आपकी बैल तैयार हो जाती है। ये पूरी प्रॉपर साइकिल आपकी अब बनकर तैयार हो गई है। अगर इसी में कैनोपी आती है तो कैनोपी यहाँ पर ये जो दो पॉइंट दिखते हैं इन दोनों पॉइंटों में कैनोपी चली जाती है जो ऊपर से कवर कर लेती है। ये प्रॉपर साइकिल की असेंबली रहती है और आप इसे चला कर देख सकते हैं, ईजिली चलती है स्मूथली। और पीछे हैंडल से कंट्रोल करना है तो प्रेजेंटिंग हैंडल से भी कंट्रोल करना। अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ। ये आपकी साइकिल प्रॉपर असेंबल होगी। थैंक यू, शुभकामनाएं। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।